अबे मरेगा क्या? ये गाड़ी मिली तेरे को मरने के लिए? अभी ब्रेक नहीं मारता ज्यादा ऊपर तू। सॉरी यार। हाँ क्या खड़ा क्या वहां पे है? बेवकूफ ना हो तो। ये आवाज कहां से आई? गाड़ी में बैग? ये बैग कौन छोड़ देगा? तुमने देखा था ना टैक्सी में आग लगते हुए? हाँ साहब। ये आग कैसे लगी? साहब मेरी सिर्फ इतनी गलती है, मैं टैक्सी वाले के सामने आ गया साहब, बस इतना ही। आग कैसे लगी? साहब सिर्फ गलती मेरी ही है, मैं ही वहाँ पर आ गया था साहब। टैक्सी वाले ने ब्रेक लगाई, वो मुझे गाली देने लगा साहब, मैं उससे माफ़ी मांग रहा था और जैसे उसने पीछे मुड़ कर देखा साहब, गाड़ी में धमाका। पीछे मुड़ के देखा टैक्सी वाले ने? हाँ साहब। कोई पीछे से आ रहा था? नहीं साहब, टैक्सी वाले ने सिर्फ पीछे मुड़कर देखा। और धमाका वहीं से हुआ? हाँ साहब। बम टैक्सी में ही था सर। किसी और की लाश भी नहीं मिली टैक्सी में, तो फिर कोई बम टैक्सी में रख के उतर गया क्या? अगर सर कोई टैक्सी वाले को क्यों मारेगा? ये बात तो है, टैक्सी वाले को मारने के लिए इतना बड़ा बॉम्ब? या तो ये टैक्सी वाला बॉम्ब लेके कहीं जा रहा था, या फिर कोई बॉम्ब टैक्सी में रख के भूल गया। सर ये साहब इस टैक्सी के पीछे से ही आ रहे थे। हाँ सर, पिछले एक दो सिग्नल पे मैंने इसे देखा था। ड्राइवर के अलावा और कोई था टैक्सी में? नहीं, टैक्सी में और कोई तो नहीं था, मगर ड्राइवर थोड़ा जल्दी में जरूर था। अच्छा सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बची, सारे पेपर जल चुके हैं गाड़ी के। ड्राइवर कौन था ये पता लगाना बहुत मुश्किल है सर। इंजन नंबर, चेसिस नंबर देख सकते हैं? हाँ देखो। सर चेसिस नंबर है 306870 और इंजन नंबर है 4P1180। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को फोन करता हूँ। हाँ सर, सर बुद्धे। हाँ यार, इतनी रात को और कौन फोन करेगा? किसी भी प्रद्युमन ही करेगा ना। हाँ बॉस, ऑफिस खुलवा के एक टैक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो क्या? हाँ, एक ब्लास्ट हो गया है। हमारे शस्त्र बुद्धे साहब की और आपकी एसीपी की दोस्ती बहुत भारी पड़ रही है हम लोगों को। आप लोगों को क्या रात में ही काम याद आता है? अब टैक्सी में ब्लास्ट रात को हुआ है तो रात को ही आएंगे ना। क्या ब्लास्ट हो गया? हाँ ब्लास्ट, पूरी टैक्सी चल गई है। क्या हो सकता है, मतलब किस चीज का हो सकता है? ये जिस बैग में बॉम्ब रखा था उसी का होगा।
मगर सर ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई आदमी टैक्सी में बम क्यों रखेगा। किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखता तो काफी लोग मरते। पहले ये तो पता चल जाए कि ये गाड़ी किसकी है, फिर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी। बताइए आपके पास क्या क्या है? हमारे पास गाड़ी की चेसिस नंबर है और इंजन नंबर है। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी फिएट है। जरा चेसिस नंबर बताओ। चेसिस नंबर है 306870। ये तो किसी प्रीतेश कुमार के नाम का है। इंजन नंबर बोलना जरा। इंजन नंबर है 4P1180। गाड़ी का इंजन भी बदला हुआ नहीं है, ओरिजिनल है। दोनों नंबर एक ही नाम दिखा रहे हैं, प्रीतेश कुमार। गाड़ी का नंबर है ZMW592। गाड़ी 10 साल पुरानी है, 3 साल मुंबई पुणे रोड पर चली हुई है और 7 साल पहले इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है। इस प्रीतेश कुमार का पता देना। 104 कटारिया बिल्डिंग, मोरासिस रोड, वडाला। सही है, देखिए एकदम जला हुआ, लगता है ब्लास्ट के साथ उड़कर वहां गिर गया। टेडी बेयर, इसका मुंह ब्लास्ट में उड़ गया क्या? दूसरा हिस्सा यहाँ है। ये रात को हम लोगों का मुंह देख के मूड खड़ा जाएगा घर वालों का। रात का 1:30 बज रहा है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, ब्लास्ट का मामला है। एक तो रात को आ रहे हैं, ऊपर से आदमी की मौत की खबर ला रहे, तो क्या करना है, चले क्या यहाँ से? नहीं, ये बात नहीं है। कहिए क्या बात है? बात ये है कि हम लोग CID से आए हैं। CID से? जी, ये मेरा आई कार्ड है। कार्ड वार्ड तो ठीक है, पर बात क्या है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतने रात को? जी। क्या बात करनी है? जो करनी है यहीं से करो, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी। देखिए बात ऐसी है कि ये बात मैं आपसे यहाँ बाहर खड़े खड़े नहीं कर सकता। नहीं, यहीं से बताओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। देखिए कानेकर रोड पे एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया है, टैक्सी पूरी तरह जल गई है और हमने पता लगाया कि वो टैक्सी आप लोगों की है। क्या? और शायद उसमें आपके पति की मौत हो गई है। क्या मौत हो गई है? जी हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है। क्या बात है? ये लोग कह रहे हैं कि आप टैक्सी में जलकर मर गए। क्या? टैक्सी जल गई? आप प्रीतेश कुमार हैं? हाँ। तो फिर टैक्सी में कौन मरा? आपकी टैक्सी कौन चला रहा था? ZMW592 यही नंबर है ना आपकी टैक्सी का? हाँ, वो हमारा ड्राइवर था राजू, वही टैक्सी चला रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या बता सकते हैं कि ज्यादातर आपकी टैक्सी कहाँ से चलती? हाँ, राजू हमेशा दाभोली नाके के स्टैंड से ही टैक्सी चलाता था। सर, आप लोगों को खबर मिली है ना, कल रात एक टैक्सी में आग लगी थी। हाँ साहब, बेचारा राजू मारा गया। साहब आप कह रहे हैं कि गाड़ी में आग लग गई, लेकिन हमें तो पता चला है गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। देखो बिना बात के शहर में घबराहट फैलेगी, इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि टैक्सी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी। साहब ये टैक्सी का धंधा बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब हो गया है, इसमें खतरा बहुत बढ़ गया है। अभी दिन रात मजदूरी करके 2 पैसा कमाओ और रात को पैसेंजर टांगी नीचे बम रख के उतर जाता है। हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? शक्ल सूरत से तो वो दोनों ठीक ठाक लग रहे थे यार, वो दोनों आदमी ठीक ठाक लग रहे थे। कौन आदमी? वही साहब, वही जो राजू की गाड़ी में बैठे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग गाड़ी में बम लगा देंगे। तुमने उन्हें देखा? हाँ साहब, देखा है हमने। अरे साहब, जाते वक्त राजू ने यही सामने गाड़ी रोका था, बोला लंबा भाड़ा मिला है, बहुत कुछ था साहब। मुश्किल से 100 रुपए मिलने वाला था साहब, मारा गया बेचारा। देखो तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चल के ब्यूरो में उन लोगों का फोटो बनवा सकते हो। उनमें से ये वाला तो बहुत गोरा था, बहुत ज्यादा गोरा था। आंखें इसकी एकदम हल्की हल्की थी, हल्की भूरी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी थी। और दूसरा वाला थोड़ा सा सांवला था ना।
और वो दिखता तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा साहब ने बनाया है ना। और उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी ना। हाँ बिल्कुल ऐसी टेढ़ी थी। सर मुझे लगता है ये आदमी या तो ये टेडी बेयर किसी के लिए लेके जा रहा होगा या फिर ये कहीं बेचने के लिए जा रहा होगा। सर बेचने के लिए मतलब? मतलब सर ये कोई टॉयज का एजेंट होगा। इस पे कोई निशान वगैरह मिला है क्या? हाँ सर इतनी जोर से धमाका हुआ फिर भी इसके बनाने वाले का नाम जलने से बच गया। ये देखिए चिम टॉय, ये कंपनी तो सूरत की है। इस कंपनी का यहाँ मुंबई में ऑफिस ढूंढो, वहाँ इंक्वायरी करो, थोड़ा सा भी कुछ पता चल जाए इन आदमियों के बारे में तो ब्लास्ट का सुराग मिल सकता है। और दया सर तुम ये टूटा हुआ टेडी बेयर फोरेंसिक लैब में ले गए और डॉक्टर फारिंगफील्ड को दिखाओ, शायद डॉक्टर इसमें कुछ ढूंढ ले जिससे पता चल जाए कि ब्लास्ट किस चीज का है। यस सर। चलो देखते हैं आर्टिस्ट ने अभी तक दोनों आदमियों की स्केचेस बनाई क्यों। एक तो बन गया था सर जब मैं अंदर आया। देखें दोनों स्केचेस तैयार हैं। गुड देखो ऐसे ही दिखते थे ना वो दोनों? हाँ हाँ साहब ऐसे ही दिखते थे। यही है सर वो दोनों। चलो एक काम तो हुआ, कम से कम शक्ल तो मालूम पड़ी दोनों की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सालुंके, सालुंके साहब कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ दया। ओह मैं यही सोच रहा था कहाँ गायब हो गया। गार्ड ने बाहर बताया कि आप अंदर हैं। नहीं तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। मैं अंदर आऊँ? तुम बैठो बाहर ही, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लाश की हालत बहुत खराब है, तुम अंदर मत आओ। ओके ये क्या है? ये रिंग माथे में कैसे घुस गई? देखो लाश के सर में से क्या निकला है। अरे सो भी गए, अभी अभी आए। और दया, 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 oh my God, दया, दया, हेलो, दया, दया, एसीपी साहब एक एम्बुलेंस भेजी फौरन। दया आया और अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर सालुंके? यस एसीपी साहब। क्या हुआ सालुंके, अचानक दया फोरेंसिक लैब में बेहोश कैसे हो गया? सी यू शुड बी केयरफुल, तुम्हारे कुछ केमिकल्स इधर उधर बिखरे तो नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं एसीपी साहब, मैं तो अंदर रूम में लाश का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बाहर आके देखा तो दया का सर टेबल से टिका हुआ है, उसे हिलाया तो गिर गया। वो यहाँ आया तो ठीक था ना? जी हाँ, मगर मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, मैं तो अंदर था। अब पहले से ही कुछ पी के आया हो तो कह नहीं सकते। अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो, लैब में ही कुछ हुआ है। लैब में अगर कुछ गड़बड़ होती तो मुझे भी कुछ होता, मुझे क्यों नहीं हुआ कुछ? मैं कह रहा हूँ या तो पहले से ही पिए हुए था या कुछ लिए हुए था। फिर वही, क्या लिए हुए था? कोकेन। कोकेन? जी हाँ कोकेन। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ दया के बारे। तुम अपने पूरे होशो हवास में हो? जी हाँ पूरे होशो हवास में। लगता तो नहीं है। वो बात अलग, और ये कोकेन वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कह रहे हैं। उनका मानना है कि सारे सिम्टम्स कोकेन के हैं, ओवरडोज ऑफ कोकेन। ओवरडोज? यस बॉस। मगर वो तो एक टेडी बेयर लेके गया था तुम्हारे पास। टेडी बेयर? हाँ मगर वो टेडी बेयर मैंने तो कहीं देखा नहीं। देखा नहीं? मगर वो तो बहुत जरूरी एविडेंस है टैक्सी वाले ब्लास्ट का। चलो चलो देखो, यहाँ गिरा था दया। हाँ यहीं गिरा था। देखो अभिजीत,
ये रहा। यार मैं दया की हालत देख करके इतना हड़बड़ा गया था कि मुझे तो दिखाई नहीं। देखो जरा ये देखो, दया ने यहां से फाड़ करके देखा, यही कुछ होगा। अरे ग्लास प्लेट लाना जरा। तुम जरा केयरफुली निकालो, मैं तब तक टेस्टिंग इक्विपमेंट तैयार करता हूं। टेडी बेयर में छुपा के रखा है, कुछ खतरनाक चीज लगती है ये। दया ने यही चखा होगा। सांके, तो देखो ये क्या है। इक्विपमेंट तैयार है, पहले हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। सैंडली फोर एंडर डिलाई में डालो इसमें जरा, थोड़ा और डालो और थोड़ा, बस अरे मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया। एसीपी साहब ये देखिए, ये मुझे लाश के फोर एडमिट मिले। ये किसी नंबर लॉक कर रही है? हाँ, किसी ब्रीफ केस का। शायद ड्राइवर ब्रीफ केस देखने के लिए ही पीछे मुड़ा और उसी समय बम फटा, क्योंकि ड्राइवर का पूरा चेहरा गायब और जल गया। और ब्लास्ट होने की वजह से जब बैग फटा तो ये ताला टूट कर सीधा यहाँ घुस गया। सर ये देखिए सर, रंग बदल रहा है। बॉस ये 100% प्योर कोकेन है, बहुत खतरनाक है। ये सारा खेल टेडी बेयर्स का है। जिस टैक्सी में ब्लास्ट हुआ उसमें टेडी बेयर्स भी थे। ये खिलौने बनाने वाली कंपनी चिम टॉयज के मुंबई ऑफिस को ढूंढ निकालो। हमारे बनाए हुए चिम टॉयज दुनिया भर में बिकते, अब कौन सा खिलौना कौन से घर में गया ये कैसे पता लग सकता है? हर खिलौने के ऊपर हम खरीदने वाले का नाम थोड़ी लिखते हैं। आपकी सूरत में जो फैक्ट्री है वहाँ से ये तो पता चल सकता है ना कि पिछले महीने कितने कितने टॉयज कहाँ भेजे गए। हाँ क्यों नहीं पता चल सकता, मुंबई में कौन सा कंसाइनमेंट कहाँ पर गया ये मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ। बता सकते हैं? हाँ, हमारे चिम टॉयज का मुंबई एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि कौन सा खिलौना कहाँ गया, ये कैसे बता सकते हैं? मैडम मैं बात कर रहा हूँ पेटी की, पेटी खिलौनों की, पेटी पेटी बोले तो कंसाइनमेंट। जैसे कि 1000 खिलौने फलानी कंपनी ने लिए, 2000 खिलौने फलाने ने लिए। 100-150 टेडी बेयर्स अगर कोई लेगा तो पता चल सकता है ना? बिल्कुल पता चल सकता है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको अभी कंप्यूटर पे बता देता हूँ। आइए आइए आइए। ये देखिए, ये 100 टेडी बेयर्स की डिलीवरी इनको गई है। कौन है ये? कोई मिस्टर कामिसेल है। कामिसेल? हाँ, इन्होंने डिलीवरी होटल रुबल में मंगवाई थी। होटल में मंगवाई? जी, वो बाहर से आए हैं और वहीं रुके हुए हैं। सर देखिए, कहीं वो यही तो नहीं है? हाँ यही है वो। तो इनका नाम कामिसेल है। चलो होटल रुबल में इनसे मिलते हैं। हेलो, एसआई आशा हियर। What? Oh my God! All right, sir. Daya की हालत बहुत खराब है. He's sinking, sir. What? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.